नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, हमको पता है कि अब आधार में मोबाइल नंबर को जुड़वाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है, क्योंकि दोस्तों अभी तक क्या होता था कि आपके स्कॉलरशिप में इसकी आवश्यकता पड़ती थी, या दोस्तों जो आपका वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या आपका पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है, या पीएफ फंड इत्यादि में आवश्यकता तो पड़ती ही थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अब कर दिया है कि आपको अगर आय जात निवास बनाना है दोस्तों, तो सबसे पहले वहाँ पे आपको मोबाइल के ओटीपी के माध्यम से केवाईसी सत्यापन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका आयजात निवास बन पाएगा। मतलब समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि अब बिना मोबाइल ओटीपी सत्यापन के आपका आयजात निवास भी नहीं बन सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी लोगों का कमेंट इस बात को लेकर के आया था कि उनको आधार में मोबाइल नंबर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा प्रोसेस आपको YouTube पे देखने को मिल जाएगा कि आप लोग ऑनलाइन कर दीजिए, इस तरीके से आप लोग डेट ले लीजिए, अपॉइंटमेंट, उससे आपका आसानी से बन जाएगा। हाँ दोस्तों, वो भी तो सही है, बन जाएगा, लेकिन दोस्तों उसमें काफ़ी लंबा वक्त आपका लग सकता है, ठीक है। कहाँ आपको जाना पड़ सकता है ये भी कोई निश्चित नहीं है, काफ़ी दूर भी आपको डेट लेना पड़ सकता है। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं कि सबसे आसान तरीका, सबसे कम खर्चे में आपका जहाँ से बन सकता है, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, इसको स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको निश्चित ही कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, हम लोग जानते हैं हमारे पास में जो भी जनसेवा केंद्र होते हैं, वो लोग जब हमारा बनाते हैं आधार कार्ड या मॉडिफाई करते हैं या मोबाइल नंबर को जोड़ते हैं, ठीक है, कोई सा भी काम करते हैं, तब दोस्तों वहां पर आपसे काफी अच्छा पैसा ले लिया जाता है। लेकिन दोस्तों एक स्थान ऐसा है जहां से कि बहुत आसानी से बन सकता है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं लेना है, पैसा भी आपका बहुत कम लगेगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं यहां पर पोस्ट ऑफिस की, ठीक है। आप सिर्फ अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, आप अपने मोबाइल को साथ में लेकर के जाइए, ठीक है। संभवतः वहाँ पे 50 रुपये ही आपका लिया जाएगा और आसानी से आपका जो मोबाइल है बहुत सेकेंडों में, यानी एक दो ओटीपी के माध्यम से आसानी से आपका मोबाइल जो है आपके आधार से लिंक कर दिया जाएगा। उसके बाद 24 घंटे के बाद आप देखेंगे तो आपके आधार में आपका मोबाइल अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में आप लोग मत पड़िए, आप सिंपल सा अपने डाकखाना में जाइए, वहाँ से आप आसानी से अपने आधार में मोबाइल नंबर को जुड़वा लीजिए, ठीक है। जुड़वाना सभी को पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आयजात निवास को भी अब वेरीफाई कर दिया गया है, बिना मोबाइल ओटीपी के आप लोग का आयजात निवास भी सत्यापन नहीं हो पाएगा, अर्थात अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है, तो आप लोगों को मोबाइल नंबर को जुड़वाना तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम की लगी होगी, आप लोग कहीं पर भी भटकेंगे नहीं, आसानी से अपने पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, मोबाइल को जब भी आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस तो मोबाइल को साथ में लेकर के जाएंगे, ठीक है। मोबाइल आपको ले जाना है, आधार कार्ड आपको ले जाना है, ये आवश्यक नहीं है कि कैंडिडेट वहाँ पर जाए कि ना जाए, ठीक है ना। कैंडिडेट नहीं जाएगा तो भी काम चल जाएगा, आसानी से आपका मोबाइल ओटीपी के माध्यम से आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर जोड़ दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए कंप्लीटली यूजफुल लगी होगी।